और अब दतिया से मिल रही है बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बताएं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने OMG ओ माय गॉड 2 इसका विरोध किया है। कथावाचक है पंडित प्रदीप मिश्रा, उन्होंने फिल्म का विरोध किया है, कहा फिल्म सनातन संस्कृति के खिलाफ है, फिल्म में प्रभु को कचौड़ी मांगते दिखाया गया है। ये कहना है पंडित प्रदीप मिश्रा का। दुकान पे से कचौड़ी मांगते हुए बता दिया। कभी तुम्हारे बाप को कचौड़ी मांगते हुए किसी दुकान पर दिखाते तो मुझे भी प्रसन्नता होती। देवाधिदेव महादेव को तुम कचौड़ी मांगते हुए दिखा रहे हो, देवाधिदेव महादेव को तुम दरवाजे पर भीख मांगते हुए दिखा रहे हो, हमको पसंद नहीं है महाराज। अगर कोई हनुमान जी का रूप रखकर, कोई राम जी का रूप रखकर, कोई शंकर का रूप रखकर, कोई कृष्ण का रूप रखकर हमारी कथाओं में अगर मंच के सामने, इस व्यासपीठ के सामने भी अगर कोई नाचता है, हम कैमरे वालों से मना कर देते कि एक कभी फोटो नहीं दिखना चाहिए। कारण, हमारा देवता इस पृथ्वी पर तुम्हारे मनोरंजन के लिए पैदा नहीं हुए, तुम्हारे जीवन के अहंकार का भंजन करने के लिए पैदा। हमारा सनातन धर्म का अपमान हो, हमारे सनातन धर्म को नीचे दिखाया जाए, ये कथा दतिया में नहीं मिलती। ये कथा दतिया की नहीं थी, केवल आदरणीय गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी ने एक फिल्म आई थी और उस फिल्म का विरोध करा और उसकी क्लिपिंग हमारे पास आई तो हमने समीर जी से कहा कथा दतिया में दे दो, बस इस बात पर ये कथा दतिया में। और सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, हम अभी सुन रहे थे पंडित प्रदीप मिश्रा को, और विरोध भी उन्होंने जताया है और जिक्र भी उन्होंने किया गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का। जी जी, देखिए जो OMG 2 फिल्म है इसका अब ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ विरोध शुरू हो गया है। शुरुआत इसकी उज्जैन से हुई, वहां के पंडित पुजारियों ने पहले इसका विरोध हुआ, अभी ये सीहोर के प्रसिद्ध संत हैं प्रदीप मिश्रा जी, इन्होंने भी इस फिल्म को लेकर अपनी कई सारी आपत्तियां दर्ज की हैं, जिस तरह से भगवान के स्वरूप में दिखाया गया है। तो ऐसा लगता है कि अभी ये विवादित बनने वाली है फिल्म। जी ललित, धन्यवाद अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिल्म ओ माई गॉड 2 ये रिलीज हो गई है, ये एक सीक्वल है, सीक्वल तो नहीं कहा जाएगा। इस फिल्म की शूटिंग 7 दिनों तक महाकालेश्वर मंदिर में भी हुई थी और पुजारी महासंघ ने मंदिर के शॉट्स हटाने की मांग की थी। इसी को लेकर महाकाल पुजारी महासंघ ने अपने वकील के साथ ये फिल्म देखी और फिल्म से शॉट ना हटाने पर आपत्ति जताई है। पुजारी महासंघ ने अपने वकील के जरिए फिल्म निर्माता और निर्देशक को नोटिस जारी किया है, कहा गया है कि इस फिल्म में महाकाल मंदिर के शॉट हटाए जाएं। जो हमने जो स्टैंड पकड़ा था कि जो धर्म से संबंधित सारे जो और मंदिर से संबंधित जो दृश्य है उन्हें हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी फिल्म जो है वो सेक्स के ऊपर है, चाहे एजुकेशन नाम दिया उसका, चाहे अन्य नाम दिया है, लेकिन ये जो सेक्स से संबंधित है इसलिए वो हटाना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान महाकाल को उसमें चित्रण किया गया, शुरुआत में तो भगवान की आस्था दिखाई गई वो ठीक था, लेकिन बाद में जिस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव के लिए भगवान महाकाल का उपयोग करना या कहीं ना कहीं सेक्स के लिए भगवान महाकाल का उपयोग करना, तो ये कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को, आस्था को चोट पहुँचाने वाला है। कि हमारे भगवान को लेके कोई भी मूवी इस तरीके की नहीं बननी चाहिए जो कि एडल्ट कंटेंट से रिलेटेड हो, भले उसमें बहुत ही अच्छा मैसेज क्यों ना हो। और अब इंदौर से बड़ी खबर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मीटर नहीं लगे, आदेश के बाद भी नलों पर मीटर नहीं लगे हैं। कलेक्टर निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया गया है और 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। पेयजल समस्या को लेकर एक याचिका लगाई गई थी और 7 साल बाद भी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। और अब बड़ी खबर की बात करेंगे, जबलपुर से बड़ी खबर मिल रही है, सना खान की हत्या का यह मामला। 1 अगस्त से लापता थी सना खान और बीजेपी कार्यकर्ता भी थी, अमित साहू ने सना खान की हत्या की थी। अमित साहू का सना से विवाद चल रहा था,
और नागपुर पुलिस ने अब हत्या की पुष्टि की है। और अब खबर सीधी से, जहां तेज रफ्तार ट्रक और बस की टक्कर हो गई, 27 से ज्यादा यात्री इसमें घायल हो गए, 6 की हालत गंभीर है, उन्हें रीवा रेफर किया गया है, बाकी घायलों को सीधी जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, इलाज इनका चल रहा है। रीवा से सिंगरौली ये बस जा रही थी, गौतम ट्रेवल्स इस कंपनी की ये बस है, NH 39 राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर बढ़ौरा के पास ये हादसा हुआ है। पीछे बैठाए रहे हम के कंडक्टर हुआ रे जो टिकट काटते थे, हाँ। तो पीछे बैठाए रहे, हाँ। हम पीछे बैठे रहे, हाँ। आप पीछे सब तो नहीं दिखाई देता कि अब आगे क्या क्या हो रहा है, हाँ। तो पलट गए, हाँ, तो वहीं पड़े थे बस में छपे थे, हाँ, वहीं पड़े पड़े थे, कंडक्टर ऊपर पड़े गए, हाँ। कंडक्टर दबान रहा, तो एम्बुलेंस यहाँ पे नहीं ले आए, एम्बुलेंस वाले कहेंगे जिसको ज्यादा चोट लगी है तो उसको पहले बैठाओ। सूचना है वो 27 लोग इंजर्ड हुए जी, सभी अंडर ट्रीटमेंट है, यहाँ जिला अस्पताल में डॉक्टर्स उनको अच्छे से देख रहे हैं, इसमें 6 जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको रीवा रेफर किया जा रहा है, और देख के ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि सभी सुरक्षित रहेंगे और मृत्यु ट्रीटमेंट जारी है जी। सर जो घायल हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं, वो कहाँ के हैं, प्रॉपर लोग उनकी पहचान हो? पता किया जा रहा है, इसमें कुछ लोग अभी पूछताछ में पता लगा, ज़्यादातर तो लोकल ही हैं जी, कुछ देवसर के होना बताए, कुछ शायद सिंगरौली के भी जी, सब डिटेल्स हम लोग ले रहे हैं जी, कौन कहाँ है, अधिकांश के परिजन भी आ गए और सभी बेड पे अंडर ट्रीटमेंट है।